हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पृथ्वीराज चौहान की तराइन के प्रथम युद्ध से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा सच। तो गाइज इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। गाइज मोहम्मद गोरी या पृथ्वीराज चौहान का सर्वप्रथम आमना सामना तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। और गाइज ये युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। गाइज इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान भाग गया और गाइज वहाँ जाकर अपनी सेना का पुनर्गठन करने लगा और अपनी सेना को बढ़ाने लगा। और गाइज पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से जयतंत की पुत्री सहयोगता को उठाकर सभी हिंदू राजाओं को नाराज कर दिया और सभी हिंदू राजा जयचंद के पक्ष में हो गए। पृथ्वीराज चौहान के साथ कोई नहीं आया। और गाइस जब अगली बार मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर आया तो गाइस तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और गाइस 1192 में इस युद्ध का बिल्कुल पासा पलट गया क्योंकि गाइस इस बार हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की सेना काफ़ी ज़्यादा विशाल थी। उसमें 3 लाख से अधिक सैनिक थे, 2000 के करीब हाथी थे और 5000 कम से कम घोड़े थे।